क्या चल रहा है, महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द थगेश शो सीजन 1 एपिसोड 2 स्पॉन्सर्ड बाय डुओलिंगो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप। नाउ आपको एक मैं फैक्ट बता दूं, द थगेश शो बन चुका है इंडिया का पहला एंड लौता एक ऐसा शो जिसका हर एपिसोड हिट हुआ है। एपिसोड 1 के जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद ना मेरे को बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि थगेश भाई आप अपने खुद के शो पे रोस्ट हो गए। मैंने बोला भाई यहाँ पे जितना तामझाम किया है, जितना खर्चा किया है ना, उसको रिकवर कराने के खुद को रोस्ट किया, बस हम भी कर लूँ। सो हमारा पिछला एपिसोड आपने देखा ही होगा, इतना वायरल हुआ ना कि उसके व्यूज मैच करने के लिए हमें इस बार 3 गेस्ट को बुलाना पड़ा। यस, तो जो हमारे पहले गेस्ट है वो एक गेमर है। इनके बारे में हमने सुना है कि इनके दोस्त इनके साथ ऑनलाइन गेम्स इसलिए खेलते हैं ताकि उन्हें फिजिकली ना मिलना पड़े। एंड आपने तो सुना ही होगा हम बोलते हैं कि कंटेंट में हमेशा रियल रहो, असली रहो। तो हमारी सेकेंड गेस्ट जो है अपने व्लॉग्स में इतनी असली रहती है, इतनी रियल रहती है ना कि उनको बोलना पड़ता है थोड़ा फेक करो, थोड़ा ज्यादा रियल हो रहा है। एंड हमारे जो तीसरे गेस्ट है भाई हमारे इतने अंडररेटेड है, इतने अंडररेटेड है ना कि अंडररेटेड की अगर कोई लिस्ट होती ना उसमें भी अंडररेटेड रहते। सो गाइस प्लीज वेलकम द न्यू पावर कपल ऑफ यूट्यूब इंडिया, मिथपैट उर्मिला एंड उनके कबाब में हड्डी हलगार टू माई हलगार साइमन सेज। So welcome to the Thagesh show. Mithpat, Urmila, Simon, thank you यार इतनी short notice पे आने के लिए। मतलब मेरे को मालूम पड़ गया तुम लोगों का काम धंधा नहीं है। तुम लोग ने पिछला एपिसोड देखा क्या? हाँ साइमन देखा? हाँ देखा। कौन सा? ये बहुत वीडियोस डालता है तो मेरे को समझ नहीं। नहीं वो पिछले एपिसोड में भुवन आया था। भुवन के लिए देखा मैंने। मैंने भी भुवन के लिए देखा एक्चुअली। एक्चुअली मुझे फर्स्ट एपिसोड में ही बुलाने वाला था, मैंने उसको बोला कि पहले भाई भुवन के साथ कर ले, थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले फिर मुझे बुलाना। अच्छा क्या नहीं बुलाया फर्स्ट एपिसोड में तो व्यूज नहीं आता तेरे को? मैं जब इधर आया ना मेरे को डेजा हुआ कि ये पहले मैंने कॉन्सेप्ट किधर देखा हुआ लग रहा है मेरे को। नहीं देखा होगा सपने में। वेलकम टू यू लेटर, पहले मिथपैट से शुरुआत करते हैं। यस मिथिलेश नाम है मिथपैट का, एंड मिथपैट का भी एक शॉर्ट नाम है मिथ, जो कि इस बंदे को है कि वो अच्छा गेमर है। मिथपैट तूने पहले यूट्यूब GTA वीडियोस से भर दिया, फिर तूने यूट्यूब व्लॉग से भर दिया, फिर भी तू जब नंबर 1 ट्रेंडिंग पे नहीं आया तूने उर्मिला की मांग भर दी। थैंक यू। अभी उर्मिला की बात चल रही है तो उर्मिला पे आता हूँ। मैंने ऑनेस्टली सर्च किया गूगल पे हु इज उर्मिला, तो गूगल ने मेरे को सामने से पूछा तेरे को मालूम रहेगा तो मेरे को बता देना। सॉरी इट्स ओके, डोंट क्राई। उर्मिला यू डू गेमिंग ना? नो मतलब थोड़ा खेल दियो। मेरे को भी लगा ये गेमर नहीं है प्रैंकस्टर है, लोगों को गेमर बता के प्रैंक कर रही है। ज्यादा ब्रूटल तो नहीं हो रहा है? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चल जा। बट यू आर एडिटर ना, इसका एडिट करती थी ना वीडियोस? नहीं एक वीडियो में बोला था किसी था वो मैं थोड़ा-थोड़ा करती थी। करती थी मैं थोड़ा-थोड़ा, कुछ बहाना देना पड़ता था ना। दो दिन काम किया उसने एडिटर का, बाकी दिन घर पे बैठ के ऐसी बैठी। अभी अभी कुछ बहाने की जरूरत नहीं अभी। बट क्या फायदा इतना अच्छा एडिटर होके, हां वेडिंग फोटोज में साइमन को नहीं क्रॉप कर पाई। बट ठीक है यार, एक्चुअली बहुत गैप हो गया दो एपिसोड्स के बीच में, भुवन वाले और इसमें, है ना, बहुत सारा गैप हो गया भाई। इधर चूहे भागने लग गए थे बट आज कोई चूहा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे बीच एक सांप जो सांप साइमन समोसे भरा है पूरा ये समुंद। अगर आप लोगों को नहीं पता तो साइमन सेज चैनल का नाम है इसका, एंड जिस हिसाब से इसका चैनल चल रहा है आई थिंक ही इज सेइंग बट नोबडी इज लिसनिंग। बट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द 1 मिलियन साइमन। मी उता कु जेमे, इसका मतलब मालूम है? मी उताऊ इसका मतलब होता है बेटर लेट देन नेवर,
इन फ्रेंच। क्या अभी नया शो स्टार्ट किया है ना, तो नया लैंग्वेजेस भी सीख रहा हूँ। एक्चुअली ये मैंने सीखा है डुओलिंगो ऐप पे, जहां पर आप भी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी बहुत इजीली। साइमन, तू पेट्रियोटिक है, किसी ने तेरे को बोला है कभी? तूने साइमन गो बैक नारे को बहुत सीरियसली ले लिया, चैनल आगे ही नहीं जा रहे। जो भी स्क्रिप्ट में लिखा है सब बोल दे। नहीं, अभी इसका शो है ना, मैं रिस्पेक्ट से कुछ बोल नहीं रहा। ये मेरे शो पे आएगा ना तभी लेता हूँ इसकी। मित पैड भाई, तूने बहुत मेहनत की, गेमर बना, यूट्यूबर बना, टाइम से अच्छे बच्चे की तरह शादी भी कर ली। दाढ़ी कब बढ़ाएगा? आती नहीं है यार, क्या करो। मेरे को बताना, देखो दाढ़ी से कभी कोई इशू प्रॉब्लम हुआ है कभी ऐसा सुनने में? वो दाढ़ी वाले जो स्पॉन्सर होते हैं ना, वो कभी आते नहीं मेरे पास। नहीं, एक्चुअली मैं सोचा था अच्छा है तुझे दाढ़ी नहीं आई, वरना उर्मिला के किसी ब्लॉग में तेरे को शेव करते हुए देखना पड़ता था। उर्मिला प्रैंक तुम्हें दाढ़ी? वो बहुत व्यूज आ रहा तो चल जाएगा। हाँ, व्यूज के लिए कुछ भी करेगा। उर्मिला को बीच में मुंह चाहिए थी तो मैंने वो शेव। नहीं, बट उर्मिला कैसा रहा एक्सपीरियंस शादी के बाद, हनीमून की जगह सीधा कंटेंट बनाने जाना? बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक्चुअली या सच्ची, मुझे कब से आई वाज वेटिंग कि कब शादी करके अभी घर पे जाके मैं कंटेंट बना रही हूँ। और एक्चुअली बहुत ज्यादा काम किया, अभी भी कर रहे हैं, मतलब एक महीना नहीं। ज्यादा काम कौन करता है? मिथिलेश करता है। ये सोचा ये क्या करेगा काम करने के टाइम? काम करेगा फिर कचरा क्रिएट करेगा ना कॉन्टेंट करने के टाइम, इधर ट्राईपॉड पड़ेगा, इधर ऐसा कुछ तो पड़ेगा, फिर जाके सो जाएगा, फिर वो कचरा कौन उठाएगा? मैं उठाएगी। आखिरकार यूट्यूबर ही है ना, कंटेंट के लिए तो शादी की। बट ठीक है, लोग साथ फेरे लेते हैं, आपने शादी के साथ व्लॉग ले लिए। लेकिन इसका जब शादी होगा ना तभी शॉर्ट चैनल पे वीडियो आएगा, अनफिल्टर पे वीडियो आएगा, थगेश पे भी वीडियो आएगा, इधर इसकी बाइक को भी बैठने। तू बोली मत, मैं पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया, वो नेटफ्लिक्स को बेचेगा, समझा? नहीं, लेकिन पूरे यूट्यूब इंडिया को कंटेंट दिया यार इसकी शादी ने। इसकी शादी ने नहीं, पायल जोन ने दिया है। साइमन, तेरी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्यूडीपाई को भाकरवड़ी खिलाना। कैसे हुआ भाई, प्लीज मेरे को बता। प्रोसेस, वो अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, यू सैड थिंग क्या है, उसको पिछले 4 साल से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, प्यूडीपाई से कैसे मिला। एक्चुअली साइमन को लगा कि प्यूडीपाई से कोलैब करके वो रिलेवेंट हो जाएगा, बेचारा प्यूडीपाई रिलेवेंट हो गया। इसलिए तेरे साथ कोलैब कर रहा हूँ ना अभी। नजरिए की बात है, देखो पर्सनली मैं तो सबको मीम की नजर से देखता हूँ और कॉन्टेंट की नजर से देखता हूँ, तो तुम लोग के लिए स्पेशली मैंने कुछ मीम्स बनाए हैं। Let's see, पसंद आते या नहीं। Play करो What if you were a meme? Hello guys, कैसे हो? Hello everyone. What? What? अब मजा आएगा ना वीडियो? Yo Joginder. Hi Joginder. क्या करेगा तू कुत्रे यार? ये मत दे। कसम गंगा मैया की, तुमको तबाह कर दूँगा। What's wrong with you man? Oh hell! 25 दिन में करोड़पति। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, अच्छा डाइल। अभी उर्मिला, आई लव यू वेरी वेरी मच, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा, मरते दम तक प्यार करता, मैं थूक क्यों रहा हूँ? बीवी उर्मिला अब हमारे साथ नहीं रही। बहुत अमेजिंग। एनीवेज, नेक्स्ट मीम। वन वर्ड अबाउट मिथिलेश। 42 अमेजिंग सेक्सी। अंदर से एकदम सॉफ्ट इंसान है। What was that? सोच रहा होगा। मारने का मन कर रहा है मुझे भी। रियलिटी बहुत अच्छा था ये। बहुत अच्छा, मैं प्यार तो करता साइमन के साथ, इतना भी नहीं। नेक्स्ट मीम। बहुत अच्छा था मीम।
इज द बॉय जी से गुड मॉर्निंग ओरिजिन साला हट ना डिटेल डायग्राम बताने की क्या जरूरत थी टेस्ट कहाँ है ओके टॉक्सिक रिलेशनशिप बट आई टेक इट अब एंजल की स्पेलिंग बताओ मैं तो सीधा साधा इंडियन यूट्यूबर हूँ मुझे ये सब नहीं पता मजा नहीं आया आई एम कॉन्स्टिपेटेड मिंडीनाथ तेरा आइडिया नहीं है ना ये सच में उसमें साइकिल में रेस मैं जीत रहा हूँ तो आइडिया किसका होगा इमेजिन नेक्स्ट मीम ठीक है मीम हेलो ये क्या कर रहे हो मिथिलेश के गाल पे स्कीइंग कर रहा हूँ व्हाट व्हाट मुझे 10th में पूछा ही नहीं मैंने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तुम लोग कॉलेज में मिले थे ना जर्नी के बारे में बताओ ना तुम दोनों की थोड़ा कमेंट्स बड़े वीडियो पे ये इसका डिपार्टमेंट है मतलब इसको सबको हमारा लव का कहानी बताने को बहुत पसंद है हम लोग 11th 12th में मिले थे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था मेरी फ्रेंड ने ऐसे बोला कि इसका नाम मिथिलेश है करके और मैं हंस गई आई डोंट रिमेम्बर मैं क्यों हंसी यू नो फर्स्ट टाइम जब इसने मेरे को बेंच पे मतलब पीछे मुड़ के देखा पहली बार वो बोलती कि मैं जोकर जैसे दिखा हाँ फर्स्ट एवर जोकर बोला उसने मेरे को जोकर या अब लग रहा है उसने तूने बोला तो मेरे को ऐसा लग रहा है स्माइल कर तू टिकटॉक वाला जोकर लग रहा है तो टिकटॉक आया भी नहीं था तो फिर जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले सेकेंड सेमेस्टर में मुझे आई थिंक थोड़ा लाइकिंग चालू हुआ फिर मैं उसके लिए चॉकलेट्स बनाने लगी चॉकलेट्स वगैरह हाँ मतलब भाई बनाती नहीं थी चॉकलेट्स बनाती नहीं थी चॉकलेट मिलता है ना दुकान में जो चॉकलेट है उसको मोल्ड में डालती थी मेल्ट करके उसको नया शेप देके मेरे को बोलती थी ये चॉकलेट उसने बनाया स्कैम था मेरे को बात ठीक है ना उतना तो किया तूने कितना चॉकलेट बनाया हाँ तू बता नहीं बनाया चॉकलेट नहीं नहीं बस स्टफिंग डालती थी मैं बीच में गुलकंद या आलमंड्स वगैरह डाल के देती थी मैं चॉकलेट बड़ी शेप डाल के देती थी बट टू मेल्ट हुआ ना चॉकलेट की तरह वो इम्पोर्टेंट ये अच्छा लग रहा फिर क्या हुआ स्टोरी बताया ये आई थिंक पता ही नहीं है लोगों को 22nd इज द डेट जो इसने प्रपोज किया था 21st के नाइट को ये मुझे बता रहा था कि व्हाई रिलेशनशिप इज गुड और मैं उसको बता रही थी कि रिलेशनशिप इज नॉट गुड और 22nd को उसने प्रपोज किया मैंने हाँ बोल दिया ये सब दोगलापन है पर ठीक है अच्छा किया जो भी किया या फिर उसके बाद फिर अभी शादी हुआ शादी पे ओवरऑल फिर 100 million व्यूज आया मेरे को मालूम था YouTube प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में भी जाता है बट एनीवेज ने दहेज में व्यूज ही पूछा था सीरियस क्वेश्चन YouTube को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है आई मीन फ्यूचर प्लान्स अभी यही है कि ऐसे बड़े बड़े शोज पे आना है मुझे एंड अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं यही मेरे फ्यूचर प्लान्स है आजकल तो मैं बहुत कम गेम्स खेल रहा हूँ चैनल पे एंटरटेनमेंट वीडियोस ज्यादा बना रहा हूँ लेकिन मैं ढूंढता रहता हूँ कि नए नए गेम्स मिले मुझे कहीं से तो हाँ मैं भी एक्चुअली प्रीफर करता हूँ ऐसी गेम्स जिससे ब्रेन की एक्सरसाइज हो ड्यूओलिंगो ऐप पर ऐसी बहुत सारी मजेदार एक्सरसाइज है जो आप बस दिन के 10 मिनट यूज करो बस 10 मिनट खेलो ना तो आप नई लैंग्वेजेस सीख सकते हो एंड वही लैंग्वेजेस सीख के एक्सपर्ट बन सकते हो उनमें साइमन यार वेरी फ्यू पीपल नो के तेरे पापा लेजेंडरी हिंदी टीवी सीरियल के डायरेक्टर है एक्चुअली मैं वो CID भी डायरेक्ट करते थे हाँ तो मैं पहली बार मैंने किसी के मुंह से साइमन सुना तो वो शिवाजी साटम के मुंह से ही सुना था ACP तो मैं सेट पे गया था तो उन्होंने ही मुझे पहली बार साइमन बुलाया था तो तब से मेरे दिमाग में साइमन बैठ गया था नाइस तो बहुत बड़ा भी मेरे को विश्वास हो गया भाई हर आदमी नेपोटिज्म सक्सेसफुल नहीं होता है
बहुत मस्त बात है अगर आप लोग को नहीं पता तो साइमन एंड मिथपैट कजिन्स है एक्चुअली रियली कजिन्स है लोगों को नहीं मालूम था यूट्यूब पे अभी भी लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पहले किसी ने नहीं बोला है शायद मैं एक बार फैमिली इवेंट को गया था एंड वहां पे बच्चे बच्चे थे एंड कोई तो थे रिलेटिव्स वो बोल रहे थे हाँ एक और यूट्यूबर है हमारे फैमिली में और बोले साइमंदार साइमंदार तो साइमंदार कभी सुना ही नहीं तो बोले अरे वो गया था इंटरनेशनल प्यूडीपाई को मिला था वो साइमन साइमन मेरा कजिन है तेरा रिएक्शन में ऐसा ही था कुछ जब तेरे को समझा मेरे बारे में नहीं साइमन इज लाइक मेरा कजिन है एक्चुअली रिवर्स नेपोटिज्म हुआ हमारा पहले पता नहीं था यूट्यूब की वजह से हमें पता चला कि कजिन्स है मैंने देखा कि तू भाई मिमिक्री मस्त करता है सो उर्मिला रिएक्ट्स टू दिस सेट कैसा होगा आई कांट बिलीव दिस क्या सेट है ओ माय गॉड साइमन साइमन का भी आता साइमन का तो हेलो एवरीबॉडी दिस इज साइमन सेज One of India's most underwear YouTuber. Very nice, very nice. तेरे साथ है मेरा मिमिक्री? नहीं. तो ये आता. तू खुद को कभी प्ले करता है? तू दूसरों को ही प्ले करता है? तेरा मिमिक्री कैसे करूँ मैं? अगेश का आता है मिमिक्री. ओहो बस उतना है. उधर तक ही देखा है ना मैंने उससे आगे नहीं देखा. Very good. Must, must. अपने शो का एक थीम है एक शो में आपके लिए हमने एक अवार्ड रखा है थैंक यू डूड अभी नहीं इसको अर्न करना पड़ेगा ये सर्टिफाइड थग का अवार्ड है जिसका भी थगनेस बाहर आएगा ना उसको ये मिलेगा yes. मेरी तरफ से ओके तो तेरा कुछ स्टोरी तड़कता भड़कता कुछ एक्चुअली आई हैव अ स्टोरी स्कूल में मैं बहुत बुली हुआ हूँ वैसे मैं तो बहुत हुआ हूँ सब हम मतलब ऐसा है कि यूट्यूबर्स ना सब बुली होती है स्कूल में तभी फिर समाज छोड़ के पीछे के सामने बैठ जाते हैं ना मैं बहुत बुली हुआ हूँ स्कूल में एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी एक बंदा था जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब कर दिया था उसने मेरे को स्कूल में एंड बीच में दिस इज फ्यू मंथ्स बैक मैं ऐसी कहीं पे तो जा रहा था एंड मुझे वो मिल गया रास्ते पे एंड उसने मेरे साथ सेल्फी लिया तो वो मोमेंट था मेरे लिए कि इसने मेरे साथ सेल्फी लिया भी हो गया मेरा उर्मिला नहीं नहीं मैं बहुत सीधी हूँ किया ही कुछ है ही नहीं लाइफ में आई थिंक तेरे 100th एपिसोड तक उसके पास एक होगा स्टोरी या तब तक आ ही जाएगा कुछ ना कुछ साइमन तेरा कुछ थग लाइफ स्टोरी बता दे अब इसने तो बता ही दिया है थग लाइफ स्टोरी 2 साल पहले थगेश ने उसके सेकंड चैनल पर मुझे रोस्ट किया था और आज मुझे अपने मेन चैनल पर थगेश शो में बुला रहा है इससे बड़ा थग लाइफ मोमेंट और क्या हो सकता है बहुत टफ कंपटीशन है थगनेस में स्टोरीज अच्छा था का बहुत फालतू था स्टोरी मेरा सबसे बेस्ट था क्या क्या बट सिर्फ एक को मिलेगा आई एम सो सॉरी एंड द विनर फॉर बेस्ट थग स्टोरी एंड जिसको ये सर्टिफाइड थग का ग्लासेस मिलेगा इज मिथपैट सो सॉरी साइमन मैं ही हूं ना थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लास्ट एपिसोड पहले एपिसोड में देखा था भुवन का कितना वाओ साइमन बाकी टिमोथी कैसा है लाया नहीं दिखा नहीं मेरे को नहीं लाया मैं उसको पर्सनल है ही इज माय एक्स आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट नाउ कैमरे पे सही है बट मैं नहीं रखता असिस्टेंट असिस्टेंट ऐसे अपने को जरूरत नहीं है अपने दोस्त काफी है देखो इधर एक बैठा है ना डुओलिंगो नाम लेता हूँ ना तो ये हाजिर हो जाता है एक्चुअली इसी ने मेरी स्पीकिंग लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है आप भी यूज कर सकते हो एंड इससे आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ठीक है एनीवेज मजा आया बहुत ज्यादा क्या खत्म कर रहे हैं मेरे को वो करने का था तू तेरा और साइमन का वो इतने टाइम से राइवल रही है तो मैंने डिसाइड किया कि आज शो पे हम थगेश वर्सेस साइमन पंजा करने आ गए करना है रुक जा बैठ जा पंजा हम लड़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट में लेवल अप मामला शिफ्ट होएगा अभी डरता है साला डरता नहीं है यार चलो होएगा अरे अरे वेलकम टू लेवल अप हम लोग आज सिंपल सा गेम खेल रहे हैं तुम लोग के साथ वर्ड वॉर
खेला होगा, देखा होगा? नहीं खेला। इसमें हाथ डालना है, एक चिट्ठी आएगी आपके हाथ में, ठीक है? अच्छा। उसमें एक वर्ड होगा, वो वर्ड से रिलेटेड आपको दूसरा वर्ड बोलना है। सपोज मिथपैड बोला, हाँ। मैं बोलूंगा गेमिंग, हाँ। गेमिंग से क्या ध्यान में आ रहा है? गेमिंग से, हाँ, टेक्निकल गेमर, ठीक है, टेक्निकल गेमर। तो समझ गया ना गेम, समझ गया, समझ। बट इसमें एक ट्विस्ट है, उसके नीचे एक टास्क लिखा होगा, हाँ। वो टास्क करते करते ये चीज करना है। सिंपल सिंपल से टास्क है, कोई ज्यादा नहीं। एक और ट्विस्ट है, और एक, हाँ, टाइम लिमिट होगा। अगर वर्ड याद नहीं आता है, 30 सेकंड्स का टाइम लिमिट होगा, अगर वर्ड याद नहीं आता ना, तो एक डेयर भी होगा, मस्त सिंपल सा। चलेगा, चलेगा, डन है, ओके, शुरुआत करते हैं हम। चलेगा उर्मिला, यस, टास्क भी करना है ना कुछ तो, हाँ, देखिए, एक फीट पे हॉप करते करते ये वर्ड बोलना है। हॉप ऑन वन फीट, वर्ड है मैरिज। हरा दिया साइमन, सोच मत मेरी बाइक को। दोनों को एक पैर पे हॉप करना है, टाइमर है 30 सेकंड्स का, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। नाउ मैरिज, मिथपैट, उर्मिला, मिथपैट, उर्मिला, ये नहीं चलेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए वर्ड, रिपीट नहीं, व्लॉग, टेक्निकल गुरुजी, सौरभ जोशी बोल रही थी व्लॉग के लिए। साइमन टाइम जा रहा है, टेक्निकल गेमर, ऐसा ही होती है, टेक्नो गेमर। अरे मैंने वही बोला, नहीं तूने टेक्निकल गेमर बोला, ये क्या चीटिंग कर रहा है? ओके, 5 यूट्यूब साइमन, 4 क्रिंज, 4 क्रिंज, मिथिलेश बोल दे, नहीं नहीं तो पहले बोल दी मैंने। उर्मिला यार ठीक है, तेरे को ही करना है डेयर, हमको क्या है? मेरे को बुरा नहीं लग रहा, ये डेयर का बाउल है, एक डेयर निकालो। भगवान अच्छी वाली डेयर हो यार, प्लीज स्पीक इन ब्रिटिश एक्सेंट टिल द गेम एंड। ये तो तुझे आता है ब्रिटिश एक्सेंट? अरे उन्होंने लंदन में सिखाया है मेरे को। या या यू डिड टीच मी द एक्सेंट राइट? नहीं कैसे बोलने का ब्रिटिश, कुछ भी चलेगा, ट्राई करो, उसमें ही तो मजा है। यस सर, गार्ड को पता ब्रिटिश है क्या ये? नेक्स्ट मिथपैट, यस, आ जाओ मैदान में, मैं हूं ही मैदान में हूं। इसको वजन ही नहीं है, डू इट, एक निकल, हाइट देख के बात कर, समझ ना, मैं ऑलरेडी जीतने वाला, इधर आ, हाइट देख के, नहीं बोल, कैमरा पे दिखा देते हैं एक बार कौन, ठीक है, देखिए समझा ना, लेट्स गो, गेश यू हैव टू फेल, चुप रे, आई एम ट्राइंग माय ब्रिटिश एक्सेंट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ओके, वर्ल्ड वायरल इंस्टाग्राम सॉन्ग्स, टास्क रब योर बेली टैप योर हेड, वायरल इंस्टाग्राम सॉन्ग्स, गाने, मतलब गाने हैं नहीं, हाँ कोई भी गाने ऐसे, अच्छा वायरल इंस्टाग्राम सॉन्ग, लेकिन याद रखना है हेड को टैप करना है, बेली को रब करना, तो गाते रहने का, अलग नहीं होना चाहिए, नो हेड रबिंग नो बेली टैपिंग, हेड को टैप बेली को रब, हाँ, 1 2 3 स्टार्ट, टिंगी 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 टिंग 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 टिंग, बाजीगर मैं बाजीगर, हाँ मैं बाजीगर, अरे सबसे गलत सबसे अफरीद, मेरा दिल ये पुकारे आजा, रावाचे बावाचे हो नो ले तू मैनू मैनू ना रोके, मेरे डोले चिवाइया दी मैनू सबर तू हो कोवी, 4 बोल, 3 दिल 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 ये मेरा ना समझ कितना ऐसा मजा आ रहा है, तेरे को नहीं मालूम, दिल 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 पांच बार बोल, दिल कौन सा गाना है, दिल है, एक ट्रेंड हो रहा है, एक्ट अ सीन ऑफ अ मूवी विथ नो डायलॉग्स, एक्ट सीन ऑफ अ मूवी विथ नो डायलॉग्स, ठीक है, हाँ, ओम शांति ओम, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, थैंक यू थैंक यू। साइमन आपका चांस, वर्ड बिग बॉस, टास्क इज डोंट टच योर लिप्स, सो ऐसे बोलना है, इग ऑश, इग ऑश, इग ऑश, इग ऑश, टांग खाए, क्या, टांग खान, गुड गुड, ओ शाहरुख खान, अठान, रिपीट नहीं होना चाहिए, कैंगियो, कैमियो ही मींस, कैमियो का मीनिंग नहीं आलो, तो बोलना शब्द, 1 अरे ये देख देख क्यों नहीं है मेरे पास, बोलना, मैं सोच रही भाई कैमियो किससे भी है, सलमान खान ने पठान में कैमियो किया, मैं वापस वो नेम कैसे बोल सकती फिर, 1 मिनट फ्री स्टाइल रैप, मिथिलेश बीट टू बीट्स दे, आज मैं आई थगेश के शो पे, हम लोग ने बहुत सारा फन किया, रोस्ट किया,
और साइमन का फुल टाइम मजाक उड़ाया, फिर बहुत सारे गेम्स खेले, थोड़ा राइम भी कर जिसमें मैं हार गई। अच्छा और कुछ तो राइम कर। कुछ नहीं याद था मुझे, इसके लिए मैं कुछ भी बोलती। अभी बोलती कर, राइमिंग कर। तो इसलिए मैं डोलती। ये था मेरा फ्री स्टाइल रैप, हो गया खत्म, जो सबसे जो था बहुत क्रैप। एनीवेज नॉट बैड बिकॉज साइमन ने बीट दिया इसके से। नहीं नहीं किया उसने, अच्छा किया। ओके वर्ड जुगनू टास्क बॉक्सिंग। जुगनू पे क्या? 3, 2, 1 गो। जुगनू, मजनू, नाना पाटेकर, लैला। अरे मारना उसको एक्चुअली। अनिल कपूर, बाल बाल बाल। अनिल कपूर नाची, क्या था उसका? टू नायक नासिक के नायक नासिक मैं बोल रहा नासिक नायक 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 यस यस कॉल योर यूट्यूबर फ्रेंड एंड आस्क फॉर 5 lakh rupees विदाउट गिविंग एनी कॉन्टेक्स्ट द बेस्ट फॉर द लास्ट यस मेरे सारे यूट्यूब फ्रेंड्स तो इधर ही है और किसको ओके अभ्युदय को कॉल कर रहा हूँ नहीं उठाया तो ये डिस्कॉलिफाई नहीं 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 तो फिर दूसरा यूट्यूबर सीरियसली बोलना है एकदम इतने रात को तो नहीं उठाएगा अनदर स्लिप पॉइंट हां 2-3 बजे तक आई थिंक वो होती है अभी कभी-कभी ओके गौतमी को ट्राई करते इसका कोई फोन उठाता नहीं कोई इज्जत नहीं है इसका हेलो हेलो अच्छा जरा सुन ना एक ये है रिक्वेस्ट है पता नहीं कैसे पूछूं बट मजबूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ यू नो मतलब ऐसे मैं कर कर मतलब मजबूरी है इसलिए ही कर रहा हूँ ना पॉइंट पे आते आई नीड 5 lakh rupees थोड़ा सा इमरजेंसी है लाइफ में तो इसलिए मैंने सोचा कि और किसको फोन कर सकता हूँ रात को 12:30 तो इट इज अ पर्सनल थिंग यू नो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट नाउ यस आई होप यू अंडरस्टैंड इफ यू आर नॉट टेलिंग मी देन आई डोंट नो व्हाट टू अंडरस्टैंड बट आई ट्रस्ट यू सो इट्स कूल ओके यस एक्चुअली गौतमी हाय हेलो हेलो दिस इज थगेश फ्रॉम द थगेश शो साइमन को हमने डेयर दिया था बाकी कुछ हुआ ना हुआ गौतमी तो एक्चुअली उसको देती 5 lakh rupees नहीं यू पास द फ्रेंडशिप टेस्ट यस अरे गौतमी पता नहीं था यार मैं पहले ही मांग देता कभी थैंक यू मेरे पास कुछ हैम्पर्स है तुम लोग के लिए यस प्लीज हैम्पर लाए जाए गिफ्ट्स ओह थैंक यू डूड थैंक यू सो मच उर्मिला आज से तुम लोग अपनी दोस्ती कर दो इसके अलावा और भी थोड़े गिफ्ट्स है मेरे पास साइमन कॉन्टेक्ट लेंसेस आपके लिए थैंक यू अच्छा चश्मा ना पहने जीरू सोडा आपके लिए साइमन अभी पीना पड़ेगा मिस पैच रेजर आपके लिए क्या करूं मैं इसका उर्मिला गले का पट्टा आपके लिए जिंदगी भर ऐसे देखना जो वेरी थॉटफुल गिफ्ट वेरी थॉटफुल मुझे लगा वो कुत्ते का गले का पट्टा दे रहे इसके लिए वो भी दे सकते थे थैंक यू सो मच गाइस एंड डाउनलोड करना ना भूले डुओलिंगो ऐप वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप मस्ट लैंग्वेज सीखो यस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बाय बोल रहे अभी बाय बाय पीस आउट सब्सक्राइब थैंक यू गाइस तूने मेरे को एक बार फोन में बोला था तू थाने शिफ्ट होने वाला है अरे मस्त जगह है मेरे को एक्चुअली पसंद है दूर है यार थाने जहां पे मैं रहता हूं ना अच्छा हुआ तू शिफ्ट नहीं हुआ थाने में एक जंगल में एक ही टाइगर रहता है उसको ये लाइन बोलना था नहीं तो उसको क्या पढ़ा है तू थाने में आ रहा है